प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने नाम के साथ साथ अपने संघर्ष के लिए भी जाने जाते हैं, जो परिवहन निगम के कर्मचारियों की आवाज बन चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जसवंत सिंह का, जो सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं प्राइम टीवी और मयूरी जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक शख्सियत के रूप में दिया, जबकि मैं बहुत एक मजदूर कर्मचारियों का नेता रहा हूँ। मैं सन 1988 से परिवहन निगम में कार्य करने के लिए आया और तब से लेकर के 2021 में मैं सेवानिवृत्त भी हो गया। इस पूरे कालकार में मैंने परिवहन निगम को भी समझने का प्रयास किया और उन छोटे छोटे कर्मचारी और उस परिवहन निगम की छोटी छोटी समस्याओं को मैंने गहन तरीके से देखा, समझा और जो परेशानियां निगम की रही, चाहे उसके लिए मुझे सरकार से आवाज़ उठानी पड़ी हो, चाहे कर्मचारियों के लिए मैनेजमेंट और शासन से संघर्ष करना पड़ा हो, मैंने वो कार्य किया और बहुत सारा समय रहा जिसको मुझे आज आपके चैनल पे याद करने में मुझे वही पुराने दिन, शायद ये कहना भी उचित होगा कि जवानी के दिन याद आ गए। तो सन 88 में जब मैं आया था तब भी मुझे ये लगा था और ये सुनने में मिला था कि परिवहन निगम तो बंद होने वाला है, आप लोग कहाँ आ गए। लेकिन उस समय भी परिवहन निगम के अंदर 45,000 रेगुलर कर्मचारी थे, हमारे पास 8300 बसों का बेड़ा था और परिवहन निगम प्रदेश की जनता की सेवा में पूरी तरीके से लगा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे चलता रहा, कर्मचारियों का स्वरूप बदलता रहा, जैसे कि नियमित से संविदा होने लगे, संविदा से आउटसोर्सिंग होने लगे। सन 89 तक परिवहन निगम को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से 15 करोड़, केंद्र राज्य सरकार से और 7.5 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती थी। 89 के बाद वो बंद हो गई। फिर 89 के बाद वो बंद हो गई तो परिवहन निगम, जो जन सेवा का एक तरीके से माध्यम हुआ करता था, वो सेल्फ डिपेंड हो गया कि नो प्रॉफिट नो लाभ का सिद्धांत खत्म हो गया। अपना आप कमाइए और अपना वेतन दीजिए और जनता की सेवा कीजिए, हम उसमें भी लगे रहे। यह समय गुजरता गया। हमारे यहाँ एक समय आया कि चूँकि हमारा अर्ध सरकारी है, निगम है, कॉरपोरेशन है, हमारे यहाँ सरकार के नुमाइंदे परिवहन मंत्री रहते हैं और सरकार के दिशा निर्देश पे हमें काम करना पड़ता है, तो उसी तरीके से शहने शहने हमारे यहाँ रेगुलर एम्प्लाई कम हुआ। लेकिन हमने अपनी गुणवत्ता को कम नहीं किया, हमने संविदा पे 96 से हमारे यहाँ संविदा के चालक प्रचालकों की भर्ती शुरू हो गई। एक समय आया ऐसा कि लगने लगा कि परिवहन निगम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक समय आया कि यात्री कर, जिस तरीके से आज परिवहन निगम में 9300 परिवहन निगम की बसें हैं और करीब 2200 अनुबंधित बसें हैं, और मुझे लगता है कि इससे 4 या 5 गुना ज़्यादा जो रजिस्टर्ड बसें हैं, जो सवारी ले जाने लाने का काम करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा यात्री कर हम देते हैं। और पिछली सरकारों में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय अतिरिक्त कर हमारे ऊपर लगा दिया गया था कि जो गाड़ियां हमारी चलती नहीं हैं, खड़ी रहती है या डैमेज है या कहीं ब्रेकडाउन है, उस पर भी टैक्स लगता है। तो लगभग हम लोग परिवहन निगम 600 से 700 करोड़ रुपया सरकार को विभिन्न मदों के टैक्स में पेयर करता है। आज परिवहन निगम का सन 78 से 78 के बीच में 24% राष्ट्रीयकृत मार्ग थे, वो आज 7% रह गए हैं। और बोनस जैसे एक मामला था, ये सन 1996 में मुझे याद है
के लखनऊ क्षेत्र में मैं तब क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ करता था और परिवहन निगम में बोनस नहीं बंटने जा रहा था, प्रोडक्टिविटी वाइज ही जो है बोनस मिलता था। तो 96 में मैंने लखनऊ में चक्का जाम किया, हमारे प्रबंध निदेशक श्री कृष्ण महोदय थे, उन्होंने वो दिया बोनस, और वो भी इतिहास या कह लीजिए कि वो नाम मेरे नाम लिखा है कि 96 के बाद परिवहन निगम में वो बोनस नहीं बटा। इसी तरीके से आज की स्थिति ये है कि डंगामार से जैसे हम बहुत पीड़ित हैं, आज 7% मार्गों पे हम चल के इस प्रदेश की जनता को 287 बस अड्डे देते हैं, जहाँ पर हम लाइट, पानी, सुरक्षा और ठहराव सारी व्यवस्थाएं देते हैं, जबकि 93% पे चलने वाली प्राइवेट वाहनें एक भी बस अड्डा प्रदेश की जनता को मुहैया नहीं कराती। हमने मांग की थी चीफ सेक्रेटरी साहब से, जिस जो हमारे मिनट्स में भी निकल करके आया था, कि परिवहन निगम को 1,000 करोड़ का अनुदान दिया जाए, जिस पे निगम मुख्यालय से चर्चा चल रही है, लेकिन उसको भी 2 साल हो गए, परिवहन निगम को अनुदान नहीं मिला। जबकि कर्नाटक में 300 करोड़ रुपया बजट में पास है, गुजरात में सरकार में चेचिस लेने के लिए पैसा दिया जाता है निगम को, महाराष्ट्र में है, इसी तरीके से आंध्रा में जैसे टोटल उसको निगम को राजकीय रोडवेज में कर दिया गया। तो हमारी भी मांग है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रदेश है, हम 25 करोड़ जनता की सेवा करते हैं, तो परिवहन निगम को कम से कम जो है 500 करोड़ रुपए की सहायता, आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष सरकार को देनी चाहिए, ताकि जनता को बेहतर सेवा कर सकें। जहाँ तक मेरी बात है कि मैंने जो संघर्ष किया, जब मैं सन 89 से संगठन में आया और काम करने लगा, तो मेरे सामने दो चीज़ें थी। एक तो चीज़ ये थी कि मैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ लाभ कमाऊं, या दूसरा मेरा ये था कि मैं जनसेवा को और कर्मचारियों के दुख दर्द की आवाज़ को ईमानदारी से उठाऊं। मुझे ईश्वर ने ताकत दी, मैंने निगम के छोटे कर्मचारियों के लिए समय समय पे आवाज़ उठाई, और प्रदेश के किसी भी कोने में कहीं भी अगर कोई आवाज़ उठती है या दर्द होता है तो हम उस काम के लिए करते हैं और उसके लिए संघर्ष भी करते हैं। यहाँ मैं कर्मचारियों की आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता और देश के तमाम SRTC के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि परिवहन निगम को जब भी प्रदेश और केंद्र सरकार ने मौका दिया या एक चैलेंज दिया, तो परिवहन निगम ने उसको पूरा किया। चाहे वो सन 1990 के जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोकसभा के चुनाव हो, जहाँ पर हमारे चालकों परचालकों अधिकारियों ने जाकर के वहाँ चुनाव कराया, जबकि वहाँ घोर आतंकवाद उस समय चल रहा था, चाहे 2013 की उत्तराखंड की त्रासदी हो, चाहे आपदा हो आपके नेपाल की, या आप कह लीजिए कोरोना काल में शायद सबसे अच्छा मैनेजमेंट परिवहन निगम ने किया, जिसकी प्रशंसा बड़े गर्व होता है कि हमारे योगी जी ने की, और हमको हमारी सराहना से हमारा दिल तो बड़ा ही हुआ, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम कर्तव्यनिष्ठ हैं परिवहन निगम के। हम ठीक है कि हम पब्लिक की नज़र में ड्राइवर कंडक्टर को बहुत अच्छा उचित स्थान न मिलता हो, लेकिन हम निश्चित तौर से हम परिवहन निगम के कर्मचारी प्रदेश की जनता में ईमानदारी से निष्ठा से सेवा करने का भाव रखते हैं, और जब भी हमें मौका मिलता है तो हम वो सेवा भाव को करते हैं। और रही बात कि जो आपका ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से जो आप अन्य अलग अलग शख्सियतों को रखते हैं, तो मुझे तो लगता है कि उस शख्सियतों का जो भी अनुभव वो शेयर करते हैं, उसके साथ साथ उनको भी एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि उनको एक जीवन काल के इस समय में आकर के अपनी उपलब्धियों का बनाने का एक जो आप पैनल चैनल देते हैं, बड़ा माध्यम देते हैं, ये भी इसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। अब आगे संघर्ष की बात है जहाँ तक, तो अभी इस समय चल रहा है हमारे यहाँ, इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है स्पेयर पार्ट्स की आ रही है। अब हमारे यहाँ पर धन का अभाव कभी कभी आ जाता है, क्योंकि साल में 4 महीने ऐसा लीन सीजन होता है जहाँ हम अपनी खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो
आर्थिक सहायता की जाए, क्योंकि हम लोग जन सेवक हैं और जनता की सेवा में सरकार के और शासन के निर्देशों पर काम करते हैं। कई बार हमारी जैसे हम विकलांग जो होते हैं उनको सेवा देते हैं, हम पत्रकारों को देते हैं, हम महिलाओं को सेवाएं देते हैं, यहाँ तक कि हम उस सरकार के नुमाइंदे जो होते हैं या जो प्रधान होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, या जो सरकार को माननीय योगी जी ने भी देखा है, मैं माननीय योगी जी से और परिवहन मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो परिवहन निगम के कर्मचारियों और परिवहन निगम की सेवा को जो प्रदेश की जनता को दी जाती है, आप सरकार हैं, आप प्रदेश की जनता को देखते हैं और परिवहन निगम के कर्मचारियों की तरफ भी आप देखें, इसके लिए मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा। सर, जनसेवा का आप एक बेहतर कार्य कर रहे हो, किसी भी बेहतर कार्य को करने के लिए तमाम चुनौतियाँ आती हैं, तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई? देखिए, अब हमारे यहाँ जैसे चुनौतियाँ आती है कि कोविड काल में जब ये था कि पूरा का पूरा देश और पूरे प्रदेश की जनता जो गाइडलाइन के अनुसार जो सरकारों की थी कि आप घर से ना निकलिए, लेकिन जब अचानक दिल्ली से लाखों लोग आ गए, उनको ढूंढने के लिए हमने देखिए तत्काल जो है 1200 बसों की व्यवस्था 8 घंटे के अंदर की, 24 घंटे के अंदर हमने 700 बसें और देकर के सारे यात्रियों को, ये जो एक तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मोर्चे पे हमारे देश के सम्मानित सैनिक अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन वही ब्लड हमारे अंदर भी है, हम भी उसी तरीके से देश के सिपाही की तरीके से काम करते हैं और जो भी परेशानियां हमारे सामने आती है तो हम ये हमारी ये पूरी टीम जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उस समय हम बिल्कुल एकजुट हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से हम कोई मतभेद हमारे बीच में नहीं रह जाता है और अपने कार्य के साथ साथ हमारे अंदर जन सेवा और देश भावना हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से काम करती है। सर, हर इंसान का अपना कुछ सपना होता है, आपका क्या सपना रहा? मेरा सपना यही था कि परिवहन निगम अच्छी स्थिति में जाए, लेकिन परिवहन निगम जैसा मैं पहले भर्ती हुआ था वैसा तो नहीं रहा, लेकिन मैंने ये देखा है कि शासन से दो समझौते हुए थे कि राज्य कर्मचारियों से जब निगम हमारा सन 1972 में बना तो शासन ने हमको एश्योर किया था कि हमारे आर्थिक या किसी भी प्रकार के हित लाभ है नहीं होंगे, लेकिन आज हमारे यहाँ पर जो राज्य कर्मचारियों को डीए मिल जाता है, वेतनमान मिल जाता है, वो हमको मिलता तो है लेकिन उसका बड़ा देर से मिलता है और हमको वो पूरी लाभ जो राज्य कर्मचारियों को मिल रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं। दूसरा ये था कि परिवहन निगम जब निगम बना था तो 6 करोड़ का की संपत्ति मिली थी और 12 करोड़ का कर्ज मिला था परिवहन निगम को, जिसने परिवहन निगम ने चुकाया। आज परिवहन निगम की जो अचल संपत्ति है वो 80,000 करोड़ से कम की नहीं है। तो परिवहन निगम के लोगों ने काम किया, मैं तो सरकार से कहूँगा कि अब ये इससे अच्छा मौका नहीं है कि सरकार के पास 80,000 करोड़ की संपत्ति भी आ जाएगी और इसको राजकीय रोडवेज घोषित कर दे सरकार, तो निश्चित तौर से प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी, सुरक्षित और सुरक्षित सेवा मिलेगी और साथ ही साथ इन कर्मचारियों का और एक विश्वास जो है प्रदेश की जनता का परिवहन पे ज़्यादा होगा। तो मेरी इच्छा ये है कि ये चैलेंज तो नहीं कहूँगा, ये तो अनुरोध ही किया जा सकता, हम इतनी लंबी लड़ाई के मूड में नहीं है सरकार से, लेकिन ये है कि ये हमारी मांग रही है कि हमको राजकीय रोडवेज कर दिया जाए, जिससे प्रदेश की जनता का भी भला होगा और 80,000 करोड़ की संपत्ति सरकार की संपत्ति में आ गई, उसका अन्य विकास करके अन्य जगह भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर इंसान का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहता है, आपका कौन रहा? मेरा प्रेरणा स्रोत मेरा कर्मचारी रहा। देखिए, मैंने ना तो चेला बनाने में कभी विश्वास रखा और ना ही मैंने गुरु बनाया, मेरा कर्म ही मेरा प्रेरणा स्रोत रहा, मेरा कर्मचारी मुझे प्रेरित करता रहा। जब मैं वर्कशॉप में गया और अगर कोई कर्मचारी मुझे पूछ रहा है या समस्या बताना चाहता है तो कभी मैंने उसको ये नहीं कहा कि वो मेरे कार्यालय में आए, मैं वर्कशॉप में गया और वर्कशॉप में जा कर के उससे वहीं मिला, बस पे यात्रा की और बस में यात्रा के दौरान अगर मुलाकात हुई तो बस में मैंने उनसे बात किया,
तो मेरा मेरी प्रेरणा जो है मेरा कर्म रहा और मेरा कर्मचारी रहा, जिसने मुझे इस बात के लिए बार बार प्रेरित किया कि जसवंत सिंह तुमको संघर्ष करना है, हमारे लिए करना है, परिवहन निगम के लिए करना है। आप परिवहन निगम में कार्य कर रहे हैं और लगातार आप निगम की कमियों को उजागर कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निगम जहाँ कोई भी परिवार हो, जहाँ आपके माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, सब में सहमति नहीं होती है। परिवहन निगम में शोषण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिकारी मनमानी करने लगते हैं, अधिकारी अपने आप को उस विभाग का अधिकारी या नौकर ना मान करके, उसको नौकर ना मान करके अपने आप को मालिक की तरह ट्रीट करने लगते हैं। वही स्थिति जो होती है, वही स्थिति का हम विरोध करते हैं। इस विभाग के अंदर चाहे 6000 का काम करने वाला आउटसोर्सिंग, ये मेरा शुरू से सिद्धांत रहा, मैं 33 साल से यही कहता आया, वो 6000 का नौकर जो है वो छोटा नौकर है, और 1.5 लाख पाने वाला अगर GM भी है परिवहन निगम का, तो वो भी परिवहन निगम का नौकर है और जनता का सेवक है। और बात नियम की हो तो सारे नियम सही है, लेकिन अगर बात मनमानी की और थोपने की और उत्पीड़न और शोषण की हो, तो वो उसका विरोध मैंने बराबर किया है। काम करने के लिए हर कर्मचारी आया है और उसके नियम के अनुसार जो उसका कार्य है वो करता है, और वो नहीं करता है या गलती करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, काम चोरी करता है, वो दंडित होता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने अगर गलती की है तो उसको दंडित होना चाहिए। लेकिन अगर वो दंडित नहीं हो रहा है और केवल अधिकारी की मोनोपोली कह लीजिए या मनमानी कह लीजिए, अगर उसकी वजह से वो पीड़ित होता है, तो मेरा संघर्ष रहता है। अधिकारियों के द्वारा सारे परिवहन निगम के जो नियम और निर्देश हैं उनको लागू करने की का दायित्व है, लेकिन उस दायित्व के लिए, उस दायित्व को उसी तरीके से अक्षरशः लागू किया जाए जो मुख्यालय का निर्देश है। उस वो ये कतई ना हो कि ए के लिए ये कानून पूरी तरीके से लागू होगा, बी के लिए थोड़ी छूट होगी, सी आराम करेगा। ये व्यवस्था जब जब परिवहन निगम में आती है, परिवहन निगम में आंदोलन होते हैं, और परिवहन निगम में आंदोलनों का भी इतिहास है। परिवहन निगम में संघर्ष जिस तरीके से होता है, उस तरीके से मेहनत होती है, उसी तरीके से आंदोलित भी बहुत होता है। इस समय भी एक आंदोलन लगा हुआ है, और उस आंदोलन में भी निवेदन तो यही है कि आंदोलन ना हो पाए, उसको पहले उसका निस्तारण हो जाए। तो ये चीजें हैं। परिवहन निगम में अपने कार्यकाल के बारे में कुछ बताएं। मैं परिवहन निगम में 30 साल तक मैंने परिचालक में रहा, यूनियन का नेता रहा, तो कुछ आरोप पत्र आंदोलन के नाम पे भी लगते रहे। मुझे मेरा प्रमोशन मुझे एक ही मिल पाया, मैं BC से रिटायर हो गया मई 2021 के अंदर। मुझे इसका कोई गम नहीं है, मैंने अपना काम किया, मैंने पूरी ज़िंदगी अपने पद के अनुरूप काम किया, नियमों के विरुद्ध काम नहीं किया। कभी भी मैंने ये नहीं किया कि मैं नेता हूँ इसलिए मैं काम नहीं करूँगा, मैंने काम किया और काम का ही वेतन लिया। लास्ट तक मैंने अपनी नौकरी को ईमानदारी से और लोगों के लिए प्रेरणा बने इसके लिए काम किया। आप परिवहन निगम में कर्मचारियों की आवाज़ बन चुके हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये उनका बड़प्पन है, वो ये सोचते हैं। आवाज़ ये है कि जैसे मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, अब आज हमारे यहाँ 33,000 संविदा के चालक परिचालक हैं, 6,000 आउटसोर्सिंग के चालक परिचालक हैं, वर्कशॉप के कर्मी हैं, उनकी कोई सेवा नियमावली नहीं है। वो एक तरीके से उस तरीके से हैं जैसे कि आज वो चौराहे से किसी को उठा के लाए हैं, अनुबंध पत्र उनसे भराया जाता है, जब चाहें उनको सेवा से पृथक किया जा सकता है। अगर वो कहीं किसी कमी को या किसी बुराई को अगर वो बोलते हैं, तो वो जो अनुबंध भराया जाता है उसमें मुझे लगता है कि परिवार को छोड़ करके उसकी चल अचल संपत्ति तक पे दस्तावेज करा लिए गए होते हैं कि यदि कोई नुकसान होता है तो उसको उससे उसकी भरपाई की जाती है। वो डरता है, वो बोल नहीं पाता है, और उस समय जब मैं बोलता हूँ
तो मुझे लगता है कि और मेरे साथियों को ये लगता है कि चलिए हम नहीं बोल पाए तो हमारे नेताजी हमारी आवाज़ को उठाते हैं। तो हाँ, इस तरीके से ये माना जाता है, लोग कहते हैं कि हम नहीं जो बोल पाते हैं नेताजी बोल देते हैं। प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो आपके जो चैनल को मैं बधाई दूंगा, अपने लिए भी और हमारे निगम के कर्मचारियों की, जो इतने बड़े लेवल पे हमारी समस्याओं को, जिसमें सरकारें भी देखेगी और बड़ी प्रदेश की 25 करोड़ जनता देखेगी, जो हमारी बात को आज इस चैनल के माध्यम से जाएंगे, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं ही नहीं धन्यवाद करना चाहूँगा, रोडवेज का 50,000 कर्मचारी आपको धन्यवाद करना चाहेगा। दूसरा ये है कि जिस ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, उसी तरीके से ईमानदारी से प्रदेश की जनता आपके न्यूज़ चैनल को सम्मान दे, आपको बढ़ाए, बस इसी का मैं अनुरोध करना चाहूँगा। जी धन्यवाद सर। तो ये थे जसवंत सिंह, जो जनसेवा का एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।